बता जल्दी किसने करा? करा इसी ने करा ना। हाँ। सलाब साहब भी यही करेगा, पूरा तोड़ दिया ना, झाड़ दिया। ये मेरे को लग रहा है काम तो आपके ही है। इसके काम इसके नहीं है। किसने करे सिद्धांत? मुझे मैं ही साफ करूंगा। उधर हो जाओ दोनों, अब जब देखो उल्टे काम करेंगे बस। ये दीवार भी ये देख, ये किसने करा था? अरे किसने करा? नहीं करा, झूठ। आप ही ने करा है। ये भी आप ही ने तोड़ा है। आपको मसाला निकालने मजा आता है ना? ये मसाला नहीं है, ये दीवार है। हाँ तो दीवार का मसाला निकाल दिया ना सारा। अरे ये अपने आप टूटा था, अपने आप टूटा था। आप कभी बोल रहा है कबूतर ने तोड़ दिया, कभी बोल रहा है सिद्धांत ने कर दिया, किया सारा काम आपने ही है। ये मेरे को पता लग गया है, मम्मी ने बताया आपकी। किसने करा फिर? चलो निकलो अब उधर, मेरे को साफ करने दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम करवाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। अब क्योंकि अभी तक तो इतना एहसास नहीं हो रहा था, बट अभी एक दो दिन से एहसास होने लग गया। इस कमरे के अंदर भी हमें गर्मी लगने लगी, तो जो अपना एसी है उसकी सर्विस करवाता हूँ। मैंने कल बुक किया था, तो आज एसी की सर्विस होगी, तो देखते हैं बाकी और क्या क्या होने वाला है। फिलहाल तो बहुत गंदगी मचा रखी थी इसने रूम के अंदर, वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, कितना पूरा पता नहीं मिट्टी मिट्टी निकाल दी दीवार। आप ही ने करी है, मेरे को पता है, झूठ बोल रहा है। ये बच्चे आजकल के सच भी बोलते नहीं है। और कभी बोला सिद्धांत ने करी। क्या हो रहा था? हाँ फिर क्या हुआ? कहाँ पर? दिखाओ हाथ, दिखाओ। ओ गंदे हो गए हाथ, दिलवा दूँ? रुको यहीं रुको, बाहर बाहर रुको। पूरा टी शर्ट भी गंदी हो गई, घुटने भी गंदे हो गए हो, देखो। नहाना है? ठीक है, हाथ मुंह धुला देता हूँ पहले तरीके से, ठीक है? ठीक है। क्या बोल रहा है वो, सुन तो लो उसकी बात। सुन ली मैंने, इसको गिरा ही देता है एक बार तो अच्छा। गिर के ही तो आया है पैंट। बार बार बोलता है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, एक बार ना इसको पानी में गिरा दो, फिर नहीं बोलेगा बार बार। कैसे गिरा था बताओ? मैं फिसल के गिर गया था। कैसे गिरा था बताओ? गिर के बताओ कैसे गिरा था? फिसल के। पैर दिखाओ कैसे फिसला था? जमीन में गिर गया था। बैठ के बाप रे, लगी तो नहीं? नहीं, मेरी आँखों यहाँ पर भी घुटने के लग गया था। घुटने के लगा था? हाँ। तो बाहर नहीं जाना बार बार, ठीक है? अब बिल्कुल नहीं जाना बार बार, ठीक है? भाई सुबह सुबह 10:30 बजे भाई साहब लोग आए हैं, दोनों के दोनों, हमारे एसी को सर्विस करने। तो चला के चेक करेंगे इसका। अच्छा, सबसे पहले चलाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, उसके बाद सर्विस होगी इसकी, ठीक है? पर आप रिमोट दे दो उसको, रिमोट से उसको ऑन कर देते हैं। सब बस, ये रिमोट आ गया इसका, क्योंकि हमने अभी तक इसे चलाया ही नहीं था। चेक करो जी, चेक। वैसे तो होगा इसमें सेल वेल सब खत्म हो गए होंगे, या तो कुछ नहीं दिखा रहा मैं। तो आपके पास पड़े हैं या लेके आने पड़ेंगे? ठीक है, ले आएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कल ही मैंने बुक किया था नो ब्रोकेज पे एसी सर्विस के लिए। तो जो भी पेमेंट वगैरह है वो उसी वक्त ऑनलाइन ही कटवानी होती है, और बाकी उसमें टाइमिंग आ जाता है कि भाई आपको कितने बजे तक वो लोग आएंगे। तो ऑप्शन देता है कि भाई कितने बजे बुलाना है, 10 बजे बुलाना है, 11 बजे बुलाना है। तो मैंने 10 बजे का टाइम दिया था, और करेक्ट 10 बजे भाई साहब लोग पहुंच गए। तो सर्विस अभी तक सब फास्ट है, मतलब फास्ट मीन्स बिल्कुल टाइम पंचुअल के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो बाकी आगे देखते हैं सर्विस करने में कितना टाइम लगता है। तो फिलहाल ये चेक कर रहे हैं कि एसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एसी हमारा तब से बंद ही था, हमने उसे चालू ही नहीं करा। 40, 42, 43 डिग्री तक पहुँच गया था टेम्परेचर, क्योंकि इस कमरे में हमें पता ही नहीं चलता, ठंडा रहता है। बट अब हमें महसूस होने लग गया था कि भाई गर्मी लगने लगी, तो 2-3 दिन से फिलहाल लग रहा था, और बुला ही लिया सर्विस के लिए। तो देखते हैं क्या क्या होने वाला, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और फिर इसमें कोई और कोई फॉल्ट तो नहीं है। ला वो दो, वो कहाँ है रिमोट? रिमोट भाई साहब, रिमोट देना, ये लो आप, सेल लो।
तो भाई एक जानकारी दी है इन्होंने कि आप जब भी एसी को परमानेंट बंद कर रहे हो तो अपने एसी के सेल निकाल के रखें, जो हमने नहीं रखे थे, जिसकी वजह से वो सेल तो गले गले और एसी में के रिमोट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कार्बन वगैरह कार्बन आ गया, इसलिए सेल निकाल दो। ये देखो भाई साहब दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कार्बन आ गया, आप चेक कर रहे हैं कि हो जाएगा ठीक साफ करके, वरना ये पंखा तो है नहीं कि आज से चला के देख लें। इस तरीके से यहाँ तारे वगैरह पूरा मोटर वगैरह लेकर के आते हैं। तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि एसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी, और अब बस उसकी सिर्फ सफाई करवाएंगे, सर्विस करवाएंगे, उसके अंदर जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह वो सब साफ़ होगी, बाकी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्लास ठंडी ठंडी हवा आ रही है, देखो पीछे से बिल्कुल 16 पे चला रखा और चेक कर लिया उन्होंने, अब फिलहाल उसे धोएंगे धाएंगे, उसके अंदर पानी से मोटर से सारी चीज़ें साफ करेंगे। बहुत ठंडी हवा, जान कह रहा हूँ मज़ा आ गया पापा। काफ़ी दिन बाद एहसास हुआ। ये क्या सिखाना है, मैं बाद में सिखाऊंगा तसल्ली से, नीचे ऊपर नीचे सब होता है इसमें, और कुछ नहीं। सिद्धांत लग रहा भूल गया दोबारा से, पिछले साल चलाया था, भूल गया, अभी छेड़ाखानी नहीं करनी, बाद में करनी। तो ये पता नहीं क्या लगाया इन्होंने, कोई मशीन सी लगाई है तार के ऊपर, इससे पता चला है कि बाहर का फ़ैन इसके एसी के चल रहे हैं या नहीं चल रहा है, तो इसी से पता चला है इन्हें, क्योंकि पहले वो चल नहीं रहा था। तो ये जो चीज़ है ये टेम्परेचर नापता है कि क्या टेम्परेचर है। हाँ वो तार होते हैं ना साइड में, इसलिए उस पर कपड़ा लगा दिया कि ताकि पानी भी ना जाए, धोने धाने में ना बहुत से ऐसी भी बंद आता है डेकिन वगैरह में और कंपनियों में ना। अच्छा बंद आता है, उसमें भी लगा देते हैं, उसमें भी लगा देते हैं। अच्छा तो भाई इसको पूरा कवर कर देते हैं ताकि जो है पानी जो भी आए वो सीधे डायरेक्ट बाल्टी के अंदर जाए, ऐसे आधे कपड़े पहना के फिर इसे धोया जा रहा है, पूरा अंदर से जाएगा। तो भाई ये जो बंदूक जैसा दिख रहा है इसी से सारा पानी निकलता है, प्रेशर के साथ मोटर ये रखी इसकी और क्लीन हो जाता पूरा, जैसा ये अभी पूरा क्लीन कर दिया भाई साहब ने। चलो भाई आ जाओ समझ लो, और बाहर चल रहा है मामला, बाहर पानी की बूंदें ज़्यादा पड़ रही है इसलिए। क्या बेटा? हाँ अभी ये थोड़ा डर रहा है, कह रहा है मशीन से चल रही है, पापा मुझे आवाज़ आ रही है, देखिए जरा मेरी तरफ कैमरे की तरफ, तो इस वजह से ऊपर ही था, अब मैं इसे नीचे ले। सो फ्रेंड्स मात्र एक घंटा लगा और एक घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर दिया इन्होंने, 1 घंटा 10 मिनट लगे होंगे, पूरा फटाफट क्लीन कर दिया, अब बच्चे भी खुश हो गए कि हाँ पापा एसी ओके हो गया। तो अभी हमारा एसी का जो टेम्परेचर है हमने 19 पे रखा हुआ, इस कम भी क्या करना था, तो ठीक है ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और आज मेरे बाल जो है बिल्कुल बिखरे हुए से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाल तो मेरे ख़राब हो ही गए फिलहाल जब से मैंने कटवाए हैं, तो आज सुबह से मैंने नाश्ता तक नहीं किया हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था तो 10 बजे ये लोग आ गए, तो जा कर के नाश्ता करता हूँ सबसे पहले। क्या है, हरी सब्जी आलू के साथ है क्या या मूली है? आलू पालक की सब्जी है, मूली नहीं है, सुबह सुबह मूली दूंगी मैं खाने के लिए। क्या पता तू दे दे सुबह सुबह मूली मेरे को। चलो भाई नाश्ता कर लेंगे आज अपना, बहुत देर हो गई नाश्ता करने में, पता है 12 बज गए 12 बजे नाश्ता। भाई आज का मैच हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा बेबी भी मैच देख रहा है, और ये सिर्फ दो लोगों को पहचानता है, धोनी को और विराट कोहली को, तो बड़े ध्यान से देख रहा है क्या पापा विराट कोहली, हर प्लेयर इसे विराट कोहली लगता है, तो ये कह रहा आज विराट कोहली जीतेगा, देखते हैं जीतेगा कौन। अभी तो शुरू हुआ है।